पिछले 15 दिन से चल रहे गैर कायदे काम को लेकर पुलिस का रुख हुआ तेज। गैर कायदे पार्किंग को भी सड़कों से हटाया गया और ट्रैफिक पुलिस ने भी इस अभियान में अब जोर पकड़ा है। बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट या ट्रैफिक नियमों को भंग करने वालों को दिया जा रहा है RTO मेमो। सड़कों पर अवैध घूम रहे गायों भैंसों को भी हटाने की चल रही है चर्चा। नमस्कार, मैं परस राठौर, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। गुजरात हाई कोर्ट का चुकादा को लेकर के बहुत जो अहम जो सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था और जो गैर कायदे से बांध काम को उनको लेकर एक सफाई पे चला जा रहा है और वो जो है सेरेटी ये कॉरपोरेशन कमिश्नर और गुजरात अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब ने द्वारा चलाया गया है। तो आज ये जो सफाई अभियान और ये ट्रैफिक व्यवस्था अहमदाबाद के नोएडा स्तर में चल रहा है, तो हमें यहाँ से DG साहब से बातचीत करेंगे। सर, जो आज ये कितने लोगों का ये बंद कर और जो ब्लैक पट्टी हटाई गई, आज अपने नरोडा पुलिस स्टेशन विस्तार में मेगा ट्रैफिक ड्राइव ने आयोजन करवामां आवेल छे। आमां 100 थी वधारे पुलिस अधिकारी अने कर्मचारी छे, एनी साथे साथे ट्रैफिक नी टीमो अने AMC नी टीमो पण भेगा छे। अने अत्यारे 5 किलोमीटर नो जे रूट छे ए क्लियर कराये छे अने आमां केटलाक काचा अने पाका दबाण तोड़वामां आव्या छे अने केटलीक जग्याए जे वाहनो छे एने अडचणरूप छे एने મેમા અને દંડ આપવામાં આવ્યા છે। મતલબ સે જો 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 મેમે દે ગયા ઉસમે કુછ એક તો જો ગાડી નીકળી વો અપના નામ પોલીસ કી તોર સે જો અપના નામ પોલીસ કી થાત બતા રહે તો ઉસમે ક્યા આમાં જે ગાડીઓ નીકળી છે એમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને પોલીસ સ્ટેશન મોકલી દીધી છે। તો એ DC સાહેબ જેને ઉન્હોને કહા કે કાયદેસર કી કાર્યવાહી કર રહે હૈ ઓર સાથ સાથ મે કેમેરા પર્સન પરેશ કે સાથ પારસ રાઠોડ આપકા ન્યૂઝ ગુજરાત અહેમદાબાદ।